दोस्तों नमस्कार। दोस्तों तालिबान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को धमकी दे डाली। दोस्तों तालिबान एक आतंकी ग्रुप था जिसके कारण उस पे ट्रैवल बैन लगा हुआ था, लेकिन यूएसए को अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को पुल आउट करना था, इसीलिए यूएसए को अफगानिस्तान के तालिबान से डील करनी पड़ी। इस डील करने के चक्कर में यूएसए को 13 तालिबान के मेंबर्स पे लगा ट्रैवल बैन हटाना पड़ा, ताकि ये लोग मीटिंग की जगह पे आ सके और यूएसए से मीटिंग कर सके। दोस्तों मामला यही है कि अब ये ट्रैवल बैन फिर से एक्सपायर होने वाला है, जिससे तालिबान चिंतित है और यूएनएससी को धमकी दे डाली है कि ये ट्रैवल बैन परमानेंटली हटा दो। दोस्तों यूएनएससी में अब इस पे वोटिंग होगी कि क्या तालिबान पे बैन परमानेंटली हटा देना चाहिए या फिर इस बैन को कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों यूएसए, फ्रांस और यूके, जो कि परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, वो लोग ये लोग चाहते हैं कि तालिबान पे बैन कंटिन्यू रहे। लेकिन दोस्तों रशिया और चाइना, ये लोग भी परमानेंट मेंबर हैं और ये लोग चाहते हैं कि तालिबान पर से बैन हट जाए, जो कि वो 13 ऑफिशियल थे उन पे बैन जो अभी हटा हुआ है उन्हें कंटिन्यू हटाने की कोशिश में रशिया और चाइना लगे हुए हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या तालिबान पे से बैन हट जाना चाहिए या फिर बैन कंटिन्यू हो जाना चाहिए? दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिख के बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।